अब पेंसिल पर विभिन्न दबावों का प्रयोग। किसी भी ड्राइंग का संपूर्ण प्रयोग करने में हमारा हाथ सक्षम है। उपकरण पर दबाव का प्रयोग विभिन्न एवं रुचिकर परिणाम प्रदान करता है। मुख्यतः दो प्रकार के परिणाम संभव हैं। विभिन्न प्रकार के स्लेटी शेड प्राप्त करने के लिए पेंसिल पर विभिन्न दबावों के प्रयोग से रेखाएं बनाकर स्क्रीन पर पेंसिल द्वारा विभिन्न दबावों का प्रयोग करके चित्र बनाए गए हैं, जिसमें आप विभिन्न शेड देख रहे हैं। पेंसिल पर विभिन्न दबावों के प्रयोग से बनी रेखाएं एक सतह पर स्लेटी रंग का धब्बा प्राप्त करने के लिए पेंसिल से एक क्षेत्र को घिसकर, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, पेंसिल से घिसा हुआ क्षेत्र स्लेटी रंग के विभिन्न शेड दिखाते हुए पेंसिल के विभिन्न स्तरों का प्रयोग करके, जब आप पेंसिल के स्तरों को बदलेंगे, आपको स्लेटी रंग के संपूर्ण नए शेड प्राप्त हो जाएंगे। स्क्रीन पर पेंसिल के विभिन्न स्तरों द्वारा खींची हुई रेखाओं के चित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब टेक्सचर दोहराना एवं अधिक कार्य करना। एक सतह के क्षेत्र पर पेंसिल द्वारा घिसने से प्राप्त विभिन्न शेडों को और अधिक समझने के लिए एक सतह को पास पास खिंची रेखाओं अथवा बिंदुओं द्वारा ढका जा सकता है। ऐसा प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीकें हैं। पहली तकनीक हैचिंग। इस तकनीक में पास पास निरंतर एवं समांतर रेखाएं के स्ट्रोक्स खींचे जाते हैं। ये किसी भी दिशा में खींचे जा सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। विभिन्न स्तरों के शेड की रचना के लिए कार्य क्षेत्र में पेंसिल का दबाव एक समान एवं नियंत्रित होना चाहिए। पेंसिल द्वारा हैचिंग का चित्र स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अगली विधि क्रॉस हैचिंग। इस तकनीक में हैचिंग की हुई सतह पर एक या अधिक कोणों पर क्रॉस रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में इस तकनीक द्वारा गहरे शेड के स्तर प्राप्त होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। अगली तकनीक स्टिपलिंग। इस तकनीक में सतह पर शेडिंग देने के लिए या तो बहुत पास या फिर बहुत दूर
बिंदु लगाए जाते हैं, जैसा कि चित्रों में आप देख रहे हैं। पास लगाए बिंदु गहरा शेड प्रदान करते हैं, जबकि दूर लगाए बिंदु हल्का शेड प्रदान करते हैं। हल्के से गहरे स्तर की स्टिपलिंग 10 सेमी 5 सेमी के खाने में की जा सकती है। इसी प्रकार गहरे से हल्के स्तर का भी प्रयास करें, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और देखें कि खाने के मध्य तक आप लगभग मध्यम स्लेटी शेड का स्तर प्राप्त कर लेंगे।